आप बहुत ध्यान से देखें तो इस बार सर, अगर मैं कहीं पे भी गलत हूं तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। जहां तक जो हमारे पास डेटा मैच हो रहा है उसमें ऐसा भी हुआ है कि कई बच्चे जिनकी 99% है, मान लीजिए 99% है, जिसकी 99% है, किसी एक शिफ्ट में हो सकता है किसी एक शिफ्ट में उसके नंबर किसी बच्चे के आ रहे हो 233 और उसकी परसेंटाइल आई कितनी 99। हो सकता है किसी एक शिफ्ट में ऐसा हुआ, वेरिएशन देखिए आप, ये बहुत अन्याय है। कैसे अन्याय, मैं आपको बताता हूं। किसी ऐसा हो सकता है कि किसी के 170 या 165 नंबर ही आए हो तब भी उसकी 99% आ गई किसी और शिफ्ट में। आप सोच के देखिए, ये 60-65-70 नंबर का डिफरेंस है किसी सेम परसेंटाइल पे, 170 नंबर वाले का और 233 वाले की परसेंटाइल सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम मानते हैं कि जब भी परसेंटाइल गेम करा जाता है, जब नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर बनाया जाता है उसको जब बनाया जाता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है इस तरीके का वेरिएशन। इसका मतलब पेपर की डिजाइनिंग सही नहीं करी गई है। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये कोई ज्ञान का भी वीडियो नहीं है, ये एक हाथ जोड़ के विनम्र अपील है एनटीए से, किन सुधारों की आवश्यकता अपने आने वाले सेकंड अटेम्प्ट में, बहुत आवश्यकता है, आने वाले सभी एग्जाम्स में है, और उसका रिक्वेस्ट लेटर हम आपके माध्यम से एनटीए को जरूर भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट लेटर होगा। तो दोस्तों, जेई मेंस 2024 यानी कि सेशन फर्स्ट, और जिसको कि जनवरी फेस के नाम से जाना जा रहा है, इसका रिजल्ट आउट जो है ना वो हो चुका है। जिन बच्चों का अच्छे मार्क्स आए, अच्छी परसेंटाइल बनी, उनको मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट जो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कम आया है, उनको थोड़ा सा घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक और चांस आपके पास आएगा अप्रैल वाला, आपको पता ही सही, तो उस पर फोकस कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको फालतू लोड लेना नहीं है और किसी प्रकार का कोई नेगेटिव स्टेप्स लेना नहीं है। बात करें जो बच्चे 12th क्लास में, उनका यदि रिजल्ट अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जिनका हो गया अच्छा, जिनका रिजल्ट अच्छा गया है, उनको जो अप्रैल वाला सेशन है उस पर ध्यान देना, साथ ही साथ वो एडवांस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट की, लेकिन इस बार रिजल्ट में क्या कुछ कमियां रही गई है एग्जाम में और रिजल्ट में, और यानी कहे एनटीए के सिस्टम के द्वारा, तो ये कमी देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि मोशन के जो फाउंडर है एनवी सर, वो बिल्कुल 2 घंटे पहले लाइव आए थे, उन्होंने एनटीए के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह उठाए थे और ये बताया था। आरआरडी सर भी साथ में थे, ऐसे ही एक दो लोग और साथ में थे जिन्होंने आकर लाइव आकर ये बताया था कि एनटीए ने इस बार रिजल्ट में बहुत बड़ा फेरबदल किया है, बहुत बड़ी गड़बड़ी करी है, जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है। उसमें क्या बताया उन्होंने कि जितने भी शिफ्ट, लगभग 5 दिन की 10 शिफ्ट हुई थी, तो 10 शिफ्ट में जो कंपैरिजन की जाती है ना, तो उन शिफ्टों में जो मतलब एक तरह से क्वेश्चंस की जो नंबर देखे गए थे वो अलग अलग तरीके से देखे थे। यानी कि किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चन ला दिए गए, जबकि पूरा सिलेबस उन्होंने पढ़ाया गया है, पूरा सिलेबस बच्चे ने पढ़ाया, तो लगभग सभी सिलेबस के सभी चैप्टर से क्वेश्चन आने चाहिए ना, लेकिन एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन डाल दिए, तो बच्चे जो दूसरा चैप्टर जिसने कवर किया उसकी तो बैंड बज गई, तो ये सिस्टम गलत था, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह के मतलब एक और सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आया कि जिस बच्चे के 150 नंबर है और जिस बच्चे के 250 नंबर है, दोनों की परसेंटाइल सेम है, यानी कि दोनों को 99% दे दी गई है। तो जिस बच्चे की 150 है, जिस बच्चे की 250 है, उनमें देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है ना, लेकिन दोनों की परसेंटाइल सेम बता दी गई। तो ये 2-3 जो मतलब तरीके से मतलब डिफाइन करके एनटीए ने जो रिजल्ट अनाउंस किया वो काफ़ी गलत बताया जा रहा है। तो उन्होंने एक डिजिटल सत्याग्रह छेड़ा है एनटीए तक बच्चों की एक तरह से ये कंप्लेन भेजने के लिए, ताकि दोबारा जो नेक्स्ट सेशन में जो अप्रैल का सेशन आएगा ना, उसमें ये गलती एनटीए ना करे, बच्चों का नुकसान ना करे। बच्चों की मेंटलिटी पर फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से यार, क्योंकि बच्चा जो है ना पूरी मेहनत कर रहा है, 150 नंबर आ रहा है, उसके दोस्त के 250 आएंगे और दोनों की परसेंटाइल सेम रहेगी, तो कहीं ना कहीं यार दिक्कत तो आनी है, तय है ना, दिमाग पर बहुत बड़ा जोर पड़ता है। लेकिन एनटीए दोबारा ऐसा कुछ सिस्टम थोड़ा सा अपडेट करे, कोई दिक्कत ना करे, तो उन्होंने एक डिजिटल सत्याग्रह चलाया, यानी कहें एक ऑनलाइन उन्होंने एक तरह से कैंपेन लगाया, शुरू किया है बच्चों के लिए, और उसमें उन्होंने बच्चों का सहयोग मांगा है। सहयोग मांगा है किस तरीके से, कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा उनसे अपनी मतलब एक तरह ज़्यादा बच्चे जो है ना अपनी डिटेल डाले, ठीक है, कौन से शिफ्ट में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, और जिसको लगा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अन्याय हुआ एनटीए की तरफ से रिजल्ट में, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल डालिए, कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, कौन से तारीख को हुआ है। ये बात हम जिस प्रकार से एनवी सर आगे पहुँचा रहे हैं ना एनटीए तक, उसी प्रकार से हम आगे पहुँचाएंगे, और एनवी सर के पूरे सत्याग्रह में आप लोग सहयोग कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ आपके साथ हो ये दोबारा ना हो, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा समर्थन मिलेगा ऐसे ही, लेकिन जिसके दोस्त के साथ भी अन्याय हुआ उसको भी समर्थन मिलेगा। प्लस ये बात आपकी तभी सुनी जाएगी, तभी अगले सेशन में आपके रिजल्ट में फेरबदल होगा या अपडेट होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे और एनटीए तक
अपने साइन पहुंचाएंगे, ठीक है। एक तरह से आपके साइन को वहां तक पहुंचाने के लिए अनवी सर ने लाइव आकर ये बताया कि जो सिस्टम है बिल्कुल गलत है, ऐसा सिस्टम दोबारा नहीं बनना चाहिए। सिस्टम ऐसा हो जो बिल्कुल आसान हो, जिससे कि बच्चे की मेंटेलिटी पर फर्क ना पड़े और बच्चा एक तरह से मानसिक संतुलन का शिकार ना हो। प्लस उसने जितनी मेहनत करी है उसकी मेहनत को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग हमने जो गूगल फॉर्म दिया उसको भरिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी भरे। यदि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है, आपके दोस्त के साथ हुआ है, तो भी आप भरिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यदि इस बात को मानेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो एनटी वाले आपकी बात सुनेंगे। 100-200 बच्चों का यदि फॉर्म भराई में आएगा और 100-200 बच्चे ही एनटी तक बात पहुंचाएंगे, तो वो उनको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, खुद फॉर्म भरें और भरवाएँ बाकी लोगों से, ताकि एनटी तक ये बात पहुँचे। डिजिटल सत्याग्रह में एनवी सर का सहयोग करें आप लोग, और हम भी आपकी बात को, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म दिया ना, यदि आप उसको भरते हैं, तो हम भी आपकी बात को आगे तक पहुँचाएंगे, आगे तक फॉरवर्ड करेंगे। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप लोग मेहनत करिएगा, जिसकी बोर्ड है बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, और जिसका अच्छा एग्ज़ाम गया है ना अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, वो अप्रैल वाले सेशन पर ध्यान दे, जाइए एडवांस के पेपर पे ध्यान दे और दबा के इस वीडियो के गूगल फॉर्म को भरिएगा, ताकि जिनको न्याय नहीं मिला है उनको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।